नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब सभी बच्चों के जो है फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन जो है वो शुरू होने जा रही है। तो सभी बच्चे जो है फाइनल एग्जाम की पूरे प्रयास के साथ और पूरी लगन के साथ तैयारी करें, बिल्कुल भी अपना विश्वास जो है वो नहीं डगमगाएं, प्रयास करते रहें, क्योंकि लगातार प्रयास करने से और निरंतर मेहनत करने से हमें सफलता जरूर हासिल होती है। तो हमें आखिरी प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। बहादुरी जीतने में नहीं, हार कर जीतने की कोशिश करने में है। तो इस विषय से संबंधित आज मैं बच्चों के लिए एक प्रयास जो है जो कि आपको नहीं छोड़ना है, किसी भी तरह की असफलताएं आए, किसी भी तरह की परेशानियां आए, उन परेशानियों से जूझना पड़ेगा, उन परेशानियों से परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां दिन में दो चार होती रहती है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था, एक प्रतापी राजा राज करता था। एक बार उसके राज्य में एक विदेशी आगंतुक आया और उस विदेशी आगंतुक ने राजा को उपहार के रूप में एक पत्थर प्रदान किया। राजा उस पत्थर को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उस पत्थर से उस राजा ने अपने राज्य में विष्णु की प्रतिमा मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया। इस कार्य की जिम्मेवारी उसने राज्य के महामंत्री को। महामंत्री गांव के एक विशेष मूर्तिकार के पास गए और मूर्तिकार से उसने कहा कि इस पत्थर से विष्णु की प्रतिमा बनाकर राज्य के मंदिर में उस प्रतिमा को स्थापित कर पाए। और जैसे ही उस पत्थर से विष्णु की प्रतिमा तैयार हो जाएगी, उसे राजमहल में पहुंचा देना। इस कार्य को करने के लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। ये बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और उसने उस कार्य को करने के लिए अपने औजार निकाल लिए और उन औजारों में से उसने हथौड़ा निकालकर उस पत्थर पर वार करने का प्रयास किया और उसने लगातार प्रयास किया, प्रयास करता रहा, पर वो पत्थर जैसा का तैसा रहा, वो पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार ने कम से कम 100 बार प्रयास किया, 100 बार प्रयास करने पर भी वह पत्थर नहीं टूटा। अंत में मूर्तिकार ने सोचा कि क्यों ना मैं एक अंतिम प्रयास कर देता हूं। जैसे ही उसने एक अंतिम प्रयास करने का निर्णय लिया और उसने औजार उठाकर पत्थर पर वार करना चाहा, वैसे ही उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने सोचा कि 100 बार प्रयास करने पर जब वह पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा, यह सोचकर उसने वार नहीं किया। उसने पत्थर जो था, जो औजार था, उसने उस औजार से पत्थर पर वार नहीं किया और अंत में वह राजमहल चला गया। राजमहल जाकर उसने कहा कि इस पत्थर से विष्णु की प्रतिमा बनाना असंभव है, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किए और अनेकों बार प्रयास करने पर भी यह पत्थर नहीं टूटा, तो इसलिए मेरे लिए कार्य नामुमकिन है, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। परंतु राज्य के जो महामंत्री थे, उन्हें राजा का कार्य हर हाल में, हर स्थिति में पूर्ण करना था। इसके लिए वो गांव के एक साधारण से मूर्तिकार के पास गए और उस मूर्तिकार के पास जाकर उन्होंने कहा कि इस पत्थर से विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर उसको
राज्य के मंदिर में उस प्रतिमा को स्थापित करना। महामंत्री की बात सुनकर मूर्तिकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही उसने कार्य करना प्रारंभ किया, उसने औजार से जैसे ही उस पत्थर पर वार किया, वह पत्थर टूट गया और पत्थर के टूटने के साथ ही उसने विष्णु की प्रतिमा को बनाने का कार्य शुरू कर दिया। तो महामंत्री ने सोचा कि अगर पहला मूर्तिकार भी एक आखिरी प्रयास कर लेता तो उस आखिरी प्रयास को करने से वह मूर्ति को या मूर्ति विष्णु की प्रतिमा जो था उसको बना सकता था, वह उस पत्थर को तोड़ सकता था। उसने अनेकों बार प्रयास किए पर एक अंतिम प्रयास वह नहीं कर पाया। उसने उस अंतिम प्रयास को करने से पहले ही अपना हाथ खींच लिया। उसके मन में ये चीज आ गई कि जहां इतनी बार मैंने प्रयास किया तब वह पत्थर नहीं टूटा, तो एक बार मेरे अंतिम प्रयास करने से वह पत्थर क्या खाक टूटेगा। पर अगर शायद वो एक अपना अंतिम प्रयास कर लेता तो वह पत्थर को तोड़ देता। और वही दूसरे मूर्तिकार ने किया। उसने जैसे ही प्रयास किया और प्रयास करने पर पहले बार से ही उसने उस पत्थर को तोड़ दिया। तो उस राज्य मंत्री ने यह सोचा कि अगर पहला मूर्तिकार जो है अगर वो प्रयास कर लेता, आखिरी प्रयास कर लेता तो आज वह 100 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होता, जो कि अब दूसरा मूर्तिकार जो है वो 100 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार है। तो हमें जो है प्यारे बच्चों, हमें हमेशा आखिरी प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद के ऊपर ही आप अपने लक्ष्य को, प्रयास के ऊपर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी समस्या के आने पर या किसी समस्या का निराकरण करने से पहले ही हमारा विश्वास जो है वो डगमगा जाता है। जब हम बार बार प्रयास करने पर भी असफल हो जाते हैं और सफलता हासिल नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हम उस प्रयास को करना छोड़ देते हैं, जबकि वो हमारी जिंदगी में वो सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि विश्वास जो है और प्रयास जो है उसी के ऊपर विद्यार्थी जो है वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। बार बार प्रयास करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को भी हासिल करेंगे। बार बार प्रयास करने पर, असफल हो जाने पर भी एक समय ऐसा जरूर आता है जब आप सफलता को हासिल करते हैं। बार बार प्रयास करें, असफल हो रहे हैं कोई फर्क नहीं है, पर एक अपना अंतिम प्रयास ना छोड़ें, जैसा कि मूर्तिकार ने किया। बार बार उसने प्रयास किया पर उसने एक अपना अंतिम प्रयास उसको खो दिया और उस अंतिम प्रयास के होने पर वो सफलता भी हो गई। तो हम जीवन में बार बार प्रयास करते रहें, हम प्रयास करते रहेंगे, असफल भी होंगे, पर एक समय ऐसा आता है कि जब हम सफल भी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, 2 साल से आपको पता है कि जो हमारा COVID-19 का दौर चल रहा है उससे बहुत से बच्चों को या बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जो है वो बहुत असर पड़ा है। बच्चे जो है वो प्रयास करना ना छोड़े, क्योंकि प्रयास करते रहने से ही सफलता मिलती है। आप बार बार प्रयास करेंगे तो आपको एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें बार बार असफल होने पर भी सफल होने का प्रयास करना है। जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक हमें प्रयास करते रहना है, क्योंकि जिस प्रयास को करने के पूर्व हम जिस प्रयास को करने से पूर्व हम अपना हाथ खींच लेते हैं, हो सकता है कि वो हमारा अंतिम प्रयास हो, और जब वो हमारा अंतिम प्रयास होगा तो हो सकता है उस प्रयास के करने से हमें सफलता भी हासिल हो जाए।
तो ये हमारा एक आखिरी प्रयास जो है वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता हासिल करने के लिए हमें बार बार जो है वो एक आखिरी प्रयास को जरूर करना है। दिन में जितनी बार आप असफल होते हैं, महीनों में आप जितनी बार असफल होते हैं, सालों में आप जितनी बार असफल होते हैं, वह एक दिन एक समय ऐसा जरूर आएगा, एक आखिरी समय ऐसा जरूर आएगा जब वो आपकी क्या होगी, वो आपकी सफलता होगी। उस आखिरी प्रयास से ही आपकी सफलता जो है वो निश्चित है। इसलिए जीवन में हमें बार बार प्रयास करते रहने चाहिए, हमें जीवन में कभी भी हताश नहीं होना है। तो प्यारे बच्चों, अब आप फाइनल एग्जाम की जो है वो पूरी तरह से डट कर तैयारी करें, और किसी भी चीज को ये ना सोचे कि हम नहीं कर सकते हैं, ये चीज हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इस विषय को हम नहीं कर सकते हैं, इस टॉपिक को हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बार बार प्रयास करने पर भी आपका जो आखिरी प्रयास होगा वो आपको आपकी सफलता के मुकाम तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर लिखा भी है बेटे, बहादुरी जीतने में नहीं हार कर जीतने की कोशिश करने में। तो सभी बच्चों को मेरी ओर से आपके आने वाले एनुअल एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। So wish you all the best for your final exams. तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें बेटे कि आपका आखिरी प्रयास जो है वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।